हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति और ये है घुमक्कड़ कुंदन। वेलकम टू आवर चैनल यूटीटी व्लॉग्स। आज हम आए हुए हैं नानक मत्ता साहिब गुरुद्वारा। तो आज हम आपको यहाँ का सारा टूर करवाएंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे और यहाँ कैसे पहुँचना है ये बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। उधम सिंह नगर जिले में स्थित नानक मत्ता उत्तराखंड के पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। इस जगह का नाम सबसे प्रतिष्ठित पहले सिख गुरु गुरु नानक देव जी के नाम पर रखा गया है। तो चलिए आज जानते हैं इस जगह के बारे में कि आप यहाँ कैसे पहुँचेंगे, कहाँ रहेंगे, यहाँ घूमने की फेमस जगहें और बहुत सारी चीज़ें जो आपको यहाँ आने के लिए मोटिवेट करेंगी। अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो नज़दीकी ट्रेन स्टेशन है खटीमा, जिसकी दूरी है 15 किलोमीटर। आपको खटीमा से टैक्सी या बसेस मिल जाएंगी जिसके प्राइजेज आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। नानक मत्ता से सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट पंतनगर में है, जो कि 57 किलोमीटर की दूरी पर है। पंतनगर पहुँच के आपको टैक्सी या शेयर्ड ऑटो मिल जाएंगी। अगर आप बाय रोड आते हैं तो आप दिल्ली से नानक मत्ता की दूरी लगभग 6 घंटों में पूरी कर लेंगे। इसके अलावा आनंद विहार से डायरेक्ट बसेस चलती हैं, जिसका रेंट 500 पर पर्सन से स्टार्ट है। नानक मत्ता सर्दियों में घूमने के लिए सबसे बेस्ट जगह है, क्योंकि गर्मियों में यहां का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो बेहतर है कि आप सर्दियों में यहां का ट्रिप प्लान करें। सितंबर से मार्च तक आप यहां का ट्रिप प्लान कर सकते हैं। नानक मत्ता में आपको बजट फ्रेंडली स्टे से लग्जरी स्टे तक सभी ऑप्शन मिल जाएंगे। नानक मत्ता गुरुद्वारा साहिब आपको श्री हरगोविंद सिंह सराय और श्री गुरु नानक गेस्ट हाउस में रहने की सुविधा देते हैं। इसके अलावा कुमाऊं मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस भी आपको रहने की सुविधा देते हैं। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग जहाँ चाहें वहाँ रह सकते हैं। नानक मत्ता सिखों का बहुत ही पवित्र स्थल है। यहाँ आपको घूमने के लिए 4 से 5 जगहें मिलेंगी और कई सारे गुरुद्वारे मिलेंगे। तो पहली जगह है गुरुद्वारा नानक मत्ता साहिब। गुरुद्वारा नानक मत्ता साहिब पहले गुरु गुरु नानक देव जी से जुड़ा हुआ है, जो कि यहाँ 1514 AD में अपनी तीसरी उदासी के दौरान आए थे। नानक मत्ता साहिब गुरुद्वारा उत्तराखंड में तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सिख पवित्र स्थल में से एक है, गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब और गुरुद्वारा रीठा साहिब के बाद। दूसरा है नानक मत्ता डैम। नानक मत्ता डैम शहर के सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट में से एक है। ये डैम सरयू नदी पर बना हुआ है, जो कि नानक सागर का निर्माण करता है और लोगों के आराम करने के लिए एक अच्छी जगह है। नानक मत्ता डैम में आप पिकनिक, बोटिंग और फिशिंग भी कर सकते हैं। तीसरा है दूधवाला कुआं। दूधवाला कुआं नानक मत्ता गुरुद्वारे के पास ही है और इसके साथ एक बहुत ही आकर्षक स्टोरी जुड़ी हुई है कि जब भाई मर्दाना ने नानक जी को दूध की इच्छा के बारे में बताया तो गुरु नानक जी ने ये इच्छा योगियों से व्यक्त की, पर उन्होंने मना कर दिया। तो नानक जी ने अपनी शक्तियों से गायों का सारा दूध निकाल के कुएं में रख दिया, तभी से इसका नाम दूध वाला कुआं पड़ गया। चौथी जगह है बावली साहिब। बावली साहिब नानक मत्ता गुरुद्वारे से 2 किलोमीटर की दूरी पर घाघर नदी के तट पर है। पौराणिक कथा के अनुसार योगियों ने अपनी जादुई शक्तियों से पूरे इलाके का पानी सुखा दिया, तब इस बावली का निर्माण हुआ। पांचवा और सबसे आखिरी है पीपल ट्री। इस क्षेत्र में हर एक स्थान के पीछे एक अविश्वसनीय कहानी है, जो इस जगह को बहुत ही पवित्र बनाती है। इस सूखे पीपल के पेड़ के नीचे गुरु नानक जी ने ध्यान लगाया था और इसे अपनी शक्तियों से हरा भरा कर दिया। तो दोस्तों, नानक मत्ता में आपको कई सारी कहानियां सुनने को मिलेंगी जो इस जगह से जुड़ी हुई हैं, और आपको इस जगह पे आके कई सारी बहुत खूबसूरत चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो नानक मत्ता में आपको खाने के लिए ढाबे से लेके बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे, और अगर आप गर्मियों में जाते हैं तो आइसक्रीम ट्रक, नींबू पानी स्टॉल्स और शिकंजी के बहुत सारे स्टॉल्स रोड साइड मिलेंगे। और अगर आप बाहर नहीं खाना चाहते हैं तो आप गुरुद्वारों के लंगर का भी आनंद ले सकते हैं। इस वीडियो में आपने जितनी भी प्लेसेस देखी हैं, आप उन्हें एक दिन में घूम सकते हैं। तो ये है नानक मत्ता की कुछ ट्रैवल टिप्स जो आपको नानक मत्ता का ट्रैवल प्लान करने में हेल्प करेंगे। तो अगर आपको हमारी ये नानक मत्ता ट्रैवल गाइड पसंद आई
और इसी तरह से आप उत्तराखंड की अलग अलग जगहों की प्रॉपर ट्रैवल गाइड देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। धन्यवाद।